मैं आपको यहाँ पे पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पेंट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका पेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ अपने फ़ोन में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने का, और मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा विंडोज़ 10 को कैसे यूज़ करते हैं, उसके जो फंक्शंस वगैरह, उसका जो इंटरफेस है, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ शायद ही किसी ने बताया होगा, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है विंडोज़ 10 सिम्युलेटर, ठीक है। आपको इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में जो एप्लीकेशन दिख रही है आपको उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो एप्लीकेशन को फाइंड करने में, ठीक है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। गाइस एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद जैसे कि हमें सभी एप्लीकेशन में ओपन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, मैं इसे बैक कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी स्क्रीन पे विंडोज 10 की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस इसको अलाउ कर देना है। गाइस अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज 10 को इंस्टॉल करने का सेटअप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहां पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल नाउ। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइस यहां पे ये ऐड आ जाएगी, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस यहां पे जो आपकी विंडोज़ है वो यहां पे इंस्टॉल होने लगेगी जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका इंटरफेस, ठीक है। गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है जैसे कि हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, वैसे यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको बोल रहा है यहाँ पे इस पीसी का नाम देने के लिए, तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद ओके कर देंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस आपको ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जंप पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे जंप पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद गाइस ये ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करना होगा, चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, ठीक है। तो आपको इन दोनों ऑप्शन को एक्सेप्ट करना होगा, तो हम नीचे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको इसको अलाउ करना होगा, इसके सोर्स को जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है उसको आपको अलाउ करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे नीचे है सबसे विंडोज 10, इसको हम अलाउ कर देते हैं, यहाँ से ऑन कर दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसे बैक कर देंगे और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा वाइल यूजिंग द ऐप या फिर ओनली दिस टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे जैसे कि विंडोज 10 हमारी इंस्टॉल होती है, हेलो का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे और आप देख सकते हैं गाइस हमारी विंडोज यहाँ पे रेडी हो रही है इंस्टॉल होके। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारी विंडोज़ है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, ये लॉक स्क्रीन है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन पे स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दिख जाएगा जो नाम आपने डाला था, उसके बाद ये सिंपली ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है, स्टार्टिंग बैकग्राउंड आपको इसमें से कोई सा भी एक चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। आपको स्क्रॉल करना है, आपका जो कर्सर है आपको यहाँ पे लेके आना है, कर्सर यहाँ पे लेके आना है इस वाले पे, इस वाले बैकग्राउंड पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद इसको फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड पे जाएंगे और इसको हम फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे और डन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विंडोज 10 का जो लुक है, जो इंटरफेस होता है, स्टार्टअप जो होता है, तो गाइस यहाँ पे जो इसका स्टार्टअप आपको दिख रहा है, इसका जो इंटरफेस है वो पूरा एज इट इज विंडोज 10 है, जैसे कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं, सेम वैसा इसका इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्क करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करना है हमको अपना पीसी,
तो आपको सिंपली अपने स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो गाइस देखिए हमारा पीसी रिफ्रेश हो रहा है जैसे कि हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आपको सिंपली अपने स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है, उसके बाद न्यू पे आएंगे और क्लिक कर देंगे। तो गाइस देखिए हमारा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं स्टार्टअप की। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपको दिया गया है जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्टअप विंडोज 10 में होता है वैसा स्टार्टअप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। लेफ्ट साइड में सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे और उसके साथ साथ आपको नीचे पावर बटन सेटिंग्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। गाइस आप इसमें उसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं जो कि विंडोज 10 में इनबिल्ट दिया जाता है, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पे पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पेंट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका पेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेंट के वो सारे टूल्स पर दिए गए हैं जैसे कि हमें कंप्यूटर में देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे इजिली पेंट को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो आपको एप्लीकेशन शो नहीं की जाएगी। यहाँ पे बस उन्हीं फीचर्स को शो किया जाएगा जो कि विंडोज 10 में इनबिल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल का डेटा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आपको कैमरा टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैमरा टेस्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा दिख रहा होगा सबसे ऊपर, सेकंड है सबसे ऊपर आपको सेकंड में दिख रहा होगा कैमरा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो ओपन हो चुका है। अभी मेरे फ़ोन का बैक कैमरा ओपन है इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे इसे फ्रंट कैमरा ऑन कर देता हूँ। फ्रंट कैमरा को ऑन करने के लिए आपको इसे डबल एरो पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अगर आपको इस कैमरा को बड़ा करना है तो आपको सिंपली मैक्सिमाइज करना होगा। यहाँ पे आएंगे और इसे मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैमरा मैक्सिमाइज हो चुका है और यहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके बाद इसे छोटा करना है कैमरा को, तो आप यहाँ पे आएंगे मैक्सिमाइज पे अगेन क्लिक करेंगे, उसके बाद ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन दिख जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कैमरा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गाइस अगर आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको सिंपली इसका ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है और आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे यूट्यूब को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब को सर्च कर लूँगा, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है, youtube.com, उसके बाद ओके कर देंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा YouTube है वो अभी यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा YouTube है वो ओपन हो चुका है जैसे कि डेस्कटॉप में ओपन होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी YouTube दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे जैसे कि YouTube हमारे डेस्कटॉप में ओपन होता है या फिर लैपटॉप में ओपन होता है, वैसे यहाँ पे आपको YouTube देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पे इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं इस ब्राउजर में, आप इजिली इस कंप्यूटर मोड में इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपका इंटरनेट वैसे ही चलेगा जैसे कि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। और उसके बाद गाइस अगर आपको कंप्यूटर मोड से बाहर आना है, आपको अपने मोबाइल वाले मोड में आना है, तो गाइस उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली अपने आपके मोबाइल का जो बैक बटन होता है वहाँ पे आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बैक बटन पे आपको दो बार प्रेस करना है, उसके बाद आप इस मोड से एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप विंडोज 10 को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, एज इट इज़ वैसे ही आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विंडोज 10 को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि विंडोज 10 में प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।